परवरदिगार ने फरमाया आलम यजीद का यतीम मन फआवा सोनिया असा तुहानू यतीम बना के भेजा है असा तुहानू यतीम बना के भेजा और तुहानू अपना कुर्ब अता फरमा दिता। अल्लाह के कुरान की सुर दुआ तीसवें पारे के अंदर मौजूद है उसकी काया मुकदसा है। अल्लाह ने शायद के अंदर फरमाया कि सोनिया माँ जाग दे नैना वाले मैं तुहानू यतीम बनाया है और यतीम बनाया तो तुहानू अपना कुर्ब अता कर दिता है ना। कुरान की आयत तो पता चलिया तो नबी के फरमान तो भी पता चलता है तो और एक गल साडे सामने रोजे रोशन की तरह साढ़े सामने या है कि अल्लाह ने जो मेरे आका अलैहि सलातु सलाम ने इस दुनिया के अंदर महबूस फरमाया सैयदा तय्यबा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दी गोद के अंदर तशरीफ लियाए तो बाप का सिर ते साया कोई नहीं सी। जो उच्चा सुभान अल्लाह कहो तो अज मैं नबी की यतीमी ना बयान कर रहा। सुभान अल्लाह नबी अलैहि सलातु सलाम का बचपन की सी और आका अलैहि सलातु सलाम के बचपन के अंदर अल्लाह ने कितनी शाना अता फरमाइया सन। फरमाया सोने मैं तुहानू यतीम बना के भेजा तो अपना कुर्ब अता फरमा दिता। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम यतीम क्यों आए क्यों यतीम पैदा हुए इनके अंदर सूफिया ने बड़िया मुहब्बत वाली इश्क वाले ने गल्लां लिखिया ने लेकिन मैं एक गल ते इतराफ करके गल अगे चलाना वा कि यतीम क्यों पैदा होए यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम क्यों पैदा होए इस वास्ते कि सोने मैं तेनों यतीम बना के भेजागा तो यतीमों नाल मुहब्बत करेगा तो यतीमों के दिल भी वड्डे हो जाएंगे। यतीम भी अपने पख्तों के नाज करनगे कि सिदरा दा राही ते रब दा माही साडे नाल मुहब्बत पिया करदा है। फिर मैं तेन इस वास्ते यतीम बना के भेजा मेरे आका अलैहि सलातु सलाम एक दिहाड़े मदीना पाक दे अंदर तशरीफ फरमा ते मस्जिद नबी चो बाहर निकले ते आप मस्जिद नबी दी दीवार दे नाल ना टेक लगा के बैठे हुए सन। जो टेक लगा के बैठे ने ना मैं कुरबान जावा जे वो जान ते चाहे ते जुत्ती समेत रब दे अरशां दे भी चले जाते हैं कि उन्हां दी टेक ते कुरबान जावा जे टेक लगावन ते मदीने दी गली च भी टेक लगा के ते आजज बन जांदे ने ना आजज़ी इख्तियार कर लैंदे ने ना। मैं उन्हां दी शान ते मुकद्दरां ते कुरबान जावा मदीना पाक दी मस्जिद नबी दी दीवार दे नाल टेक लगा के तेरे मेरे आका अलैहि सलातु सलाम इस तरह टेक लगाई है ते इस तरह ही गोटे चुक ने जिवें अपने ओ भाई बैठे होए ने इस तरह वो टेक लगा के मदीने दे ताजदार इस तरह गोडे इस तरह करके बैठे हुए ते मेरे आका दी आजज़ी ते कुरबान जावा ते महबूब ना सामने बच्चे खेलदे पैने उन्हां नूं खेलदियां नूं वेखदे पैने सुभान अल्लाह बच्चियां नूं खेलदियां वेखदे पैने। इस वक्त मेरे आका वेखण दे उन्हां बच्चियां दे अंदर एक बच्चा तों दा बाप गुजरिया ना तूने वेखिया मेरा पुत्र बच्चियां दे अंदर खेलदा पिया अपने पुत्र ना इस तरह बाजू तो पकड़ लिया तो पकड़ के कहन लगा बड़ा खेल लिया चल घर चलीए तो मेरे आका ने फरमाया अजे नहीं अजे नहीं सहाबी सी इमामुल अंबिया दे हुक्म दे अगे तो फिर की हो सकता है ओ बच्चे दा बाजू छड़िया ते घर चला गया बारह को बच्चे ना ते फिर आ गया बच्चे दा बाजू पकड़िया ते ले जान लगा मेरे आका फिर फरमाया नहीं अजे नहीं अजे सारे बोलो अजे नहीं। जिस वक्त इन गल हुई ना तो मेरे करीब ने फरमाया अजे नहीं तो फिर घर चला गया जो असर का टाइम वो फिर आया तो हुण बच्चे वाल नहीं नबी दे चेहरे वाल वेखदा यार दी मर्जी तां वेख ली यार दी मर्जी की पहले यार दी मर्जी वेख ली यार दी मर्जी भेजन दे भी है कि नहीं है हुण जो तो तीसरी बारी मेरे आका वाल इस तरह वेख्या ना तो मेरे आका ने फरमाया लै जा हुण लै जा। उन्हें अपने बेटे का बाजू पकड़िया मेरे नबी की बारगाह के अंदर आया अर्थ की सोने दो वारी आया जान नहीं जे दिता तीसरी वारी ताडे वाले वेखे तो फरमाया लै जी इन्हें हिकमत की सी मेरे आका ने फरमाया एवें तो नहीं वड्डे वेले का इतने मदीने की मस्जिद च टेक लगा के बैठा होया वा एवें नहीं बैठा हो ओ, 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 यतीम बच्चा इन्हें बच्चों के अंदर खेलन दिया जे तू अपने पुत्र के बाजू पकड़ के घर लै जाता तो यतीम के बच्चे दिल च ख्याल आना सी काश अज मेरा अब्बा होंदा तो मैनू ना लै जाता
काश मेरा अज वालद होता तो मैनू ना लै जाता तो मैं मुहम्मद ने नहीं चाहिया कि उस यतीम का दिल टुट जाए उस यतीम का दिल टुट जाए हूँ वो यतीम बच्चा खेल के रज गया है वो आपके घर दौड़ गया तू अपने बच्चे को घर ले जा तू अपने बच्चे को कम है सहाबा जेड़ा यतीम दे सिर से इस तरह मुहब्बत नाल हाथ फेरेगा हाथ दे अंदर जिन्ने वाल आणगे ना हाथ दे थल्ले जिन्ने वाल आणगे फरमाया रब उहना वालां दे बदले उस बंदे नूं नेकियां ता फरमा दे फरमाया उन्नियां नेकियां अल्लाह उन्हों ता फरमाएगा एवें तां यतीम बन के आए अल्लाह फरमांदा अलम यजिद के यतीमन फआवा और ईद उल अज़हा दा दिन सी ना ते मेरे आका मस्जिद नबवी दे अंदर तैयार हो के आ रहे ने नमाज पढ़न वास्ते जदों घरों बाहर निकले ते वेख्या कि छोटा जिहा बच्चा ते यतीम बच्चा रोंदा पिया आवे रोंदा पे आवे मेरे करीम उस बच्चे के कोल गए तो जाके फरमान लगे तू रोना क्यों है आज तो खुशी मनाने का दिन है तेरिया अखा च अथरू रोना क्यों है हाथ जोड़ के कहता कमली वाले मेरा होया जो कोई ना मां जागते ने ना वाले आ, मेरा होया जो कोई ना ते मैं रोना ही है ना मेरा अब्बा ते ना मेरी अम्मी है ते मेरे आका ने जो इन्ना लफ्ज सुने ना कमली वाले मेरा होया जो कोई ना मेरा होया जो कोई सुने मेरा है ही कोई नहीं मेरा है ही कोई नहीं ते मेरे आका ने जो ये लफ्ज सुनिया तो करीम दी अखा च अथरू आ जाते हैं ना करीम दी अखा च अथरू आ गए मेरे आका रोंदे उस बच्चे नु पकड़िया जलदे पैसी मस्जिदे गोमामा दे अंदर ईद नमाज पढ़ाण वास्ते लेकिन जो बच्चा रोंदा वेखे ने यतीम बच्चा रोंदा वेख्या बाजू तो पकड़िया तो घर ले आए आके फरमान लगे आयशा इस बच्चे नु पहले गुस्ल दियो फिर इन्हू कपड़े पहनाओ गुसल दियो इन्हू कपड़े पहनाओ हजरत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने वेख्या ते बच्चा बच्चे नू गुसल दिता अर्ज़ कीती सोनिया इहदे कपड़े मेरे करीब ने फरमाया जिहड़े हसनैन करीमैन दे कपड़े ना उन्हां च इक जोड़ा इन्हू भी पवा दियो एक जोड़ा इन्हू पहनाओ ना अम्मा आयशा सदीका उस बच्चे नू गुसल दे रहियां ने नहलाउण तों बाद अम्मा आयशा सदीका आपने हसनैन करीमैन का जोड़ा बच्चे नू पहना देता जो बच्चे ने नहा लिया कपड़े पहन ले मेरे करीम के कोल हसनैन करीमैन खड़े ने मेरे आका कदी हसनैन दे चेहरे वल वेखदे ने कदी यतीम बच्चे दे चेहरे वल वेखदे ने मेरे आका फरमाया बच्चे आ दस जदों तेरा बाप जिंदा होंदा सी ओ तेनू ईद नमाज पढ़न वास्ते किवें लैके चलदा सी बच्चे ने नन्ने नन्ने हाथ जोड़े ने ते कहंदा कमली वाले आ सुनिया जदों बाबा जिंदा होंदा सी मैनू ईद नमाज वास्ते लैके जांदा सी कमली वाले आ मेरा बाप मैनू कंधियां ते उठा लैंदा मैनू अपने मोढ़ियां ते चुके लैके जांदा सी मेरे आका ने हसनैन करीमैन वल वेख्या फरमाया शहज़ादे ओ अज ए कंडे यतीम बच्चे दे सवारी ना बन अज मुहम्मद दे कंडे ए यतीम बच्चे दी सवारी ना बन जावन हसनैन करीमैन अर्ज करदे ने नाना जी असी तां रोज सवारी कर लैने अज इस यतीम बच्चे नू अपने कंधियां ते बहा लो इन्हां नू बिठा लो ताकि बच्चे दे दिल च ख्याल ना आवे इन्दा बाप इन्हू कंधियां ते बिठा के चलदा सी अज मुहम्मद मैनू पैदल लैके जा रहा वे हसनैन करीमैन मेरे नबी दे हत्थां दियां उंगलियां पकड़ लईयां ने ओ बच्चा मेरे मुहम्मद दे कंधियां ते बैठा वे मेरे आका मदीने दियां गलियां च जा रहे ने मेरे आका फरमाया बच्चे रोवी ना अज तो बाद मुहम्मद तेरा बाप ही ऐशा तेरी मां अज तो बाद मुहम्मद तेरा बाप ही ऐशा तेरी मां वे वे बच्चिया रोवी ना जो मदीने दियां गलियां आ गईयां
बच्चा मेरे नबी दे कंधियां ते बैठावे हसनैन करीमैन नबी दी उंगलां पकड़ियां ने जदों सोना काफला चलदा जा रहा वे मदीने दी गली च लोगां ने वेख्या अज मुहम्मद दे कंधियां ते कोई अज नबी तशरीफ फरमावे कोई बच्चा बैठावे मदीने दे लोग वेखदे ने मदीने दे लोग हैरान हो गए उस बच्चे दे वक्ता दे नाज करना वा जेड़ा बैठा मुहम्मद मोड़िया ते आ कहंदा मदीने वाले मैनू मुबारक दियो ना मेरा मुहम्मद बाबा बन गया जे ऐसा अम्मा पर मुहम्मद मेरा बाबा बन गया ऐशा मेरी मां बन गई है ऐशा मेरी मां बन गई है ना उस बच्चे दे बख्ता दे नाद करा यतीम सी ते दुर यतीम ने कंधिया ते बिठा लिया हसनैन करीम मैं पैदल पे चल दे ने ना इसे वास दे अल्लाह वाला कहना है आप सी यतीम दे यतीमा हथी पालदा आप सी यतीम मैं तेनू यतीम बना के भेजा है।